नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। गोंडा जिले के विकास खंड बवनजोत के ग्राम सभा कोल्हई गरीब में दोबारा प्रधान पद पर जीत हासिल कर प्रधान पद पर जमाया कब्जा और मतदाताओं से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। बताते चले कि गोंडा जिले के ग्राम सभा कोल्हई गरीब में अपने हुनर के बल पर आजादी से लेकर अगले प्रधानी चुनाव में एक घराने से चले आ रहे प्रधान पद पर कब्जा कर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फिर इस वर्ष त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को भी दोबारा जीतकर प्रधान पद पर रिजवान ने कब्जा कर लिया। रिजवान ने अपने थोड़े समय में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़कर यह साबित कर दिया कि अगर दिलों में जज्बात हो तो कोई भी मुकाम हासिल करना असंभव नहीं है। इसके लिए सारा श्रेय नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रिजवान ने अपने मतदाताओं को दिया और विकास कार्य को करना अपनी पहली प्राथमिकता बतलाई और जनता को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित भी किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम भाई साहब आपका? रिजवान शेख। अच्छा, आप किस पद पर चुनाव जीते हैं? प्रधानी पद पर चुनाव। कौन सा ग्राम सभा है? सुरहीगिरी। अच्छा, ये पहली बार आप जीते हैं? नहीं, दूसरी बार जीते हैं। दूसरी बार। अच्छा, इसके पहले किसके पास था? पहले हमारे यहाँ चौधरी लोगों के पास था। अच्छा, कब से था? लगभग जब से प्रधानी बनी है इस देश में, मतलब आजादी से लगभग उसी टाइम से। मतलब आपने रिकॉर्ड तोड़ा। जी, जैसा आप सब। जी। तो इसमें जनता का श्रेय? जी, जनता को ही श्रेय जाता है। अच्छा, इसमें आप जनता को क्या कहेंगे? जैसे कि आपको ग्राम प्रधान बनाए। जी। तो दूसरी बार बनाए। जी। तो आपके अंदर कुछ ऐसा हुनर था जिसको लेकर के जनता ने आपको इस पद पर बिठाया? जी। तो जनता को आप क्या संदेश देंगे? जनता को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। जी। और अगर जनता न होती तो मैं जीती नहीं पाता। जी, बात तो ये सारा श्रेय उन्हीं को ही जाता है। जी। तो डेमोक्रेसी है ही है। डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ होता है। अच्छा, लगभग कितने वोट से जीते हैं? पिछले साल 476 वोट से जीते थे, इस टाइम पे 6 वोट से जीते हैं। अच्छा, आपका पढ़ाई कितना है? इंटर पास। अच्छा, इंटर पास। जी। क्या आप शुरू से यहाँ राजनीति में जुड़े रहे? जी नहीं। अच्छा, कब से आप इसमें जुड़े हैं? लगभग अभी 5-6 साल है। 2014 से फर्स्ट। नहीं, कोई ना कोई तो परिवार में सामाजिक कार्य करता रहा होगा ना? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। चलिए, इतना आपने जो है कम समय में और दो बार प्रधानी जीत लिया है, जनता के दिलों में आए। तो आप ये बताएं कि ये जो मतलब ग्राम प्रधान का पद जीते हैं तो उसमें आपका मुद्दा क्या है? विकास का? विकास का ही मुद्दा है। जी, जैसे सड़कें हो गई, नाली हो गया, कंजा हो गया, मतलब आपकी प्राथमिकता विकास क्षेत्र का विकास। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने मतदाता से? हाँ, अपने मतदाताओं से ये कहना चाहूँ कि थोड़ा जागरूक है, जैसे कि इस टाइम पे चुनाव में मतलब इनवैलिड वोट बहुत सारे हो गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।